जय भोलेनाथ साथियों, आज मैं जिस शख्स से मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ या आपका बीच में रूबरू कराने वाला हूँ, वो संगीत दुनिया में हिमाचल में नहीं पूरे भारत में वो महागुरु का रोल निभाते हैं। खास करके हिमाचली ट्रेडिशनल कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं भारत में और भारत के बाहर। तो उनके नाम ही इतना बेहतरीन है, उनके नाम में सागर है। तो हमारे साथ है पंडित विद्या सागर जी और साथ में जो हमारी लोक गायक और मनाली विंटर कार्निवाल का एक फायर है ना, कौन से सीजन में ये मनाली विंटर, हमारा जो मनाली विंटर कार्निवाल में जो कंपटीशन में टॉप फाइव में रहे लालचंद जी और हिमाचली लाल सिंह। हिमाचली बहुत ही बढ़िया गाना गाते हैं और भजन भी गाते हैं, इनका अपना चैनल है लाल सिंह फोक सिंगर। लाल सिंह फोक सिंगर बहुत ही बढ़िया, सभी बहुत अच्छा है और इन्होंने शुरुआत ढोलकी से की थी और आज बहुत ही जबरदस्त। और सर ने जो है 92 में जो है इस संगीत की दुनिया में आए थे और आज तक महागुरु का रोल निभा रहे हैं और विदेश में भी आपने बहुत तड़का मचाया। सबसे पहले सर आपसे बात करना चाहते हैं, सर आपका इस तरह से जो विदेशों में जाते हैं प्रमोट करते हैं कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं पूरन जी और ये शिवनाथ पूरन का जो शॉल टोपी जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें यहाँ पे अवेलेबल और सस्ते दाम पे मिलती है, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे उन लोगों का जो ट्रेडिशन आप आगे बढ़ा रहे हैं। रही हमारे कल्चर का कि हम विदेशों में ऐसा कि हम अपना कुल्लू का कल्चर और जो हमारा जो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य इसका प्रचार करने के लिए अभी भी हमारे कुछ एक जो शिष्य जो विदेशों में जो ऑनलाइन जो सीखते हैं कुछ एक लोग, और हमारा यही ध्येय रहता कि हमारा जो हमारी जो संस्कृति है हमारे कुल्लू की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति जो शास्त्रीय संगीत हो या लोक संगीत हो गया इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो हमारा सबसे पहले यही ध्येय रहता है कि कुछ न कुछ जो लोग हैं हमारी संस्कृति से रूबरू होते रहे और हमारी संस्कृति को ना छोड़े। तो बाकी लाल सिंह हमारे पास मेरा शिष्य है, बहुत अच्छा गाता भी है और बजाता भी है, तो अब ये कुछ बोलेंगे। और लालचंद भाई का स्पेशल प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होता है, प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, लोग इंजॉय करते हैं खुद। अगेन लालचंद भाई ऑन स्मॉल भाई जी कैसे आप? बहुत बढ़िया जी। और जी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मेरे साथ गुरु जी हैं, गुरु कृपा बहुत है, गुरु जी का आशीर्वाद है, जो भी मैं जहाँ तक भी गुरु जी के आशीर्वाद से हूँ और इनके माध्यम से आप हमें देखेंगे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेहरबानी। मैं खुद लिखता हूँ और अपने जो सॉन्ग जो भी मैंने गाए यूट्यूब चैनल पे, अभी जो हाल ही में मेरा एक गीत आया था पटू लाऊ ते चित्रा बाड़ी जा चबे नौसीज मेरी का छबे, एक लाइन हो जाए जी जी एक लाइन, पटू लाऊ ते चित्रा बाड़ी जा चबे, पटू लाऊ ते चित्रा बाड़ी जा चबे, नच दिए जे झुरी मेरी को छबे, नच दिए जे झुरी मेरी को छबे। ये मेरा सॉन्ग, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, खुद का लिखा हुआ, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने कीमती वक्त कीमती समय देने के लिए आप लोग दोनों को तहे दिल से धन्यवाद, और शिवनाथ सॉल उनपुरिया में आने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ।